तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्वोदय विद्यालय के बारे में। यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय क्या है, कैसे क्या एडमिशन की प्रोसेस है, यहाँ पर कौन कौन लोग अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी एरिया क्या रहेगा, क्या कैसी क्या डिटेल्स है, किस तरीके का बोर्ड है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सर्वोदय विद्यालय के बारे में। दोस्तों सर्वोदय विद्यालय सबसे पहले तो है कि आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने नवोदय विद्यालय को तो सुना ही होगा। नवोदय विद्यालय जो होता है उसमें CBSE कोर्स होता है, और इंडिया में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये स्थापित होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से सर्वोदय विद्यालय भी है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि जो आपका सर्वोदय विद्यालय वो सिर्फ मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, और यहाँ पर जितने भी संभाग के जिले देखने को मिलते हैं उन जिलों में इसके खंडपीठ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप मध्य प्रदेश में अभी आज की डेट में 52 जिले हैं, तो 52 जिले में आप बोलो कि यहाँ पर हर जिले में इस सर्वोदय विद्यालय की स्थापना की गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संभाग मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग एरिया है उन्हीं जिलों में यहाँ पर आपको सर्वोदय विद्यालय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वोदय विद्यालय में साथ ही साथ अगर बच्चा किसी विलेज एरिया से है तो यहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर हॉस्टल भी आपको बाकायदा मिलेंगे सर्वोदय विद्यालय के लिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय खासतौर पर बनाया किन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी श्रमिक की श्रेणी में आते हैं लोग, यानी कि जितने भी कामकाजी छोटे मोटे काम करते हैं और अपनी छोटी सी आय से अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए श्रमिक विद्यालय बनाया गया है। यहाँ पर अगर आपके पास मजदूरी कार्ड या श्रम कार्ड है तो यहाँ पर उस कार्ड के सीरियल क्रमांक के माध्यम से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकोगे, एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकोगे। अब यहाँ पर पढ़ाई की बात की जाए सर्वोदय विद्यालय में, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि नवोदय विद्यालय में CBSE कोर्स होता है, और वो सेंट्रल का एक बहुत बड़ा विद्यालय। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में सर्वोदय विद्यालय जो है वो एक मध्य प्रदेश का विद्यालय, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड देखने को मिलती है, यहाँ पर CBSE बोर्ड देखने को नहीं मिलती, लेकिन पढ़ाई वास्तव में बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह की फीस नहीं होती है, और यहाँ पर जितना भी एजुकेशन का खर्च होता है पूर्णतः फ्री होता है। तो इसीलिए अगर आप श्रमिक की श्रेणी में आते हो और अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो तो जरूर इस वीडियो के माध्यम से करा सकोगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमें श्रमिक विद्यालय के एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेना है, किस तरीके का ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। इसके लिए आपको मेरे साथ डेस्कटॉप पर चलना होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाने के लिए सिंपली आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर पर सिंपली टाइप कर देना है सर्वोदय विद्यालय MP, यहाँ पर सिंपली इतना लिख कर टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आएगी सर्वोदय आवासीय विद्यालय, यहाँ पर आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सर्वोदय विद्यालय की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर सर्वोदय विद्यालय से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए 2021-22 सर्वोदय विद्यालय प्रवेश हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें। यहाँ पर आपको रेड कलर से लिंक दिख रही होगी, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि और भी कई जरूरी चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर कितने अभी तक फॉर्म डल चुके हैं, उसके लिए आप यहाँ पर जो आपको रेड कलर से लिंक दिख रही है यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए सर्वोदय विद्यालय से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो दिशा निर्देश वगैरह तो आप पढ़ सकते हो, बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, शिक्षक शिक्षिका के नाम, अगर उनको आप डायरेक्ट कॉल कर कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर बाकायदा नंबर दिए गए हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 6वीं क्लास के प्रवेश के लिए आपकी बच्ची की उम्र 10 से 12 होनी चाहिए, 7वीं क्लास के लिए 11 से 13 होनी चाहिए, 8वीं के लिए 12 से 14 और 9वीं के लिए 13 से 15। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको एक राइट टिक का एक बॉक्स दिख रहा होगा, जहाँ पर लिखा है उपरोक्त दिए गए सभी दिशा निर्देशों को आवेदन में द्वारा पढ़ा गया है, आवेदन में फॉर्म भरने के लिए सही सहमति प्रदान करता हूं। तो यहां पर आपको राइट टिक कर देना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाना है। तो यहां पर एक ब्लू कलर से आपको यहां फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें, यहां पर बटन दिखाई देगा, सिंपली यहां पर इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहां पर क्लियर तौर पर लिखा है श्रमिक पंजीयन कार्ड में उल्लेख पंजीयन क्रमांक, यहां पर उदाहरण के लिए
कुछ इस तरह की संख्या दी गई है। यहाँ पर अगर आपके पास श्रमिक पंजीयन कार्ड है तभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो उसका जो आपका सीरियल क्रमांक हो, नंबर हो, उसे यहाँ पर डालें और यहाँ पर खोजे बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर लीजिएगा। इसके बाद आपको उस फॉर्म को लॉक कर देना है, ठीक है ना। लॉक करने के बाद जब आपका फॉर्म फुल फिलअप हो जाए, इसके बाद आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो और इसके बाद क्या क्या सीखा, इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर इन नंबर्स पर कॉल करके यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा है आज का आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या मन में कोई क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके पर्सनली आपके सभी सवालों को जवाब देने की कोशिश। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।